हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आईआईटी जेम 2021 का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और आप सभी लोग अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम शायद से अच्छा ना भी गया हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइएगा। अगर आपने प्लान किया है कि आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करना है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया के 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो एक एग्ज़ाम क्लियर करके। ठीक है, आपने तो आईआईटी जेम का प्रिपरेशन किया ही है, उसी को यूटिलाइज करके आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हो जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और इसके मदद से आप इंडिया के 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट रैंकिंग में आते हैं वो यूनिवर्सिटीज़, तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने उधर पे बात किया, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने ऊपर वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आईआईटी जैम का जो आपने प्रिपरेशन किया है उसी को यूज़ करके आप ये जो मैं एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपने सोचा है कि आप 2022 का आईआईटी जैम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे, तो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी में स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, ये एवरी सैटरडे ऑफ मार्च होगा, और विन जैम 2022 ये एवरी संडे ऑफ मार्च होगा। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पे जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जिसका नाम है C30 MCQ टेस्ट। तो यहाँ पे एवरी सैटरडे ऑफ मार्च क्या होगा, एग्जाम होगा। डेट्स यहाँ पे गिवन है, और इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है, एनरोलमेंट लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे IIT JEM 10 ये वाला कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके साथ अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आपको ये एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ही बेस्ट होता है, और साथ में एक अगर गाइडेंस जो आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में हेल्प करे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो आईआईटी जेम 2022 का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो कौन से 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे के एडमिशंस ले सकते हो। तो ये है उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो एग्जाम का नाम और वो कौन सा एग्जाम है जिसके मदद से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये है वो वेबसाइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर CU CET 2020। तो ये 2020 का जो है लास्ट ईयर का हमारा वेबसाइट है। जैसे ही इस साल का नोटिफिकेशन आएगा ये अपग्रेड होकर 2021 हो जाएगा। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस साल कोविड की वजह से थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली जितना न्यूज से पता चला है या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से पता चला है कि थर्ड वीक ऑफ मई में इसका नोटिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे 18 यूनिवर्सिटीज़ के नाम है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो ये एग्ज़ाम क्लियर करके। और ये लास्ट ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स था। लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो इस बार थोड़ा डिले होगा, थर्ड वीक ऑफ मई में या फिर सेकेंड वीक ऑफ मई में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा, उसको फिल करके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो CU CET इस एग्जाम का नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन आपके लिए है। ठीक है, पार्ट ए में आपको लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स, यहाँ पे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद पार्ट बी में आपका डोमेन नॉलेज, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप, जैसे पकड़ लीजिए मैथमेटिक्स में आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 to 5 सेक्शन है और ये आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम में या फिर यानी कि PhD या फिर MPhil करना चाहते हो तो आपको ये वाला पोर्शन आपका एग्जाम पैटर्न है। पार्ट ए में आपको सिमिलर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये वाले 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आएगा इसमें, और पार्ट बी में डोमेन नॉलेज, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जैसे पकड़ लो मैथमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। जो भी आपने पढ़ा था आईआईटी जेम के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आप अप्रैल के मंथ में रेगुलर इसके वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, और जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं यूट्यूब में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर जरूर करूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे अवेलेबल है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।